एवरीबॉडी। बेटा आज आप लोगों का टेस्ट भी है। पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट के 15 मिनट्स में टेस्ट होगा, ठीक है? ओके, चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम। नया चैप्टर है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं, फिर दोबारा करने जा रहे हैं। वेरी इजी चैप्टर। तुम कब जाओगे? इसका लिखा हुआ है, बताएगा मुझे अच्छे से बोलो। शरद जोशी। शरद जोशी जी का लिखा हुआ पाठ है, तुम कब जाओगे अतिथि। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोई मुझे बताएगा क्या है इस चैप्टर में? हाँ जी, ओके। जो लेखक के घर आता है, चार दिनों से लेखक के घर पर ही रह रहा है। लेखक चाहता है कि अब से चले जाना चाहिए, लेकिन वह फिर भी घर में बना रहता है। कभी ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, कुछ दिनों तक वो हमारे घर पर रहते हैं। शुरू के एक दो दिन तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बाद में लगता है कि ये अब जाए। Have you ever feel? क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, ठीक है? इसलिए हम ऐसा महसूस नहीं करते। लेकिन अगर कोई मित्र आए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपके घर पर आए, एक आध दिन रुके, आपको ठीक लगेगा। और अगर वो ज्यादा दिनों के लिए रुक जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? जल्दी से चला जाए, क्यों? कारण, मेहमान नवाजी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किन मायनों में क्यों मुश्किल लगता है मेहमान नवाजी करना? खाने का खर्चा, ओके, अपना रूम शेयर करना पड़ता है, और बोलने का ढंग, हमें मतलब उनके साथ फॉर्मल रहना पड़ता है। जैसे हम अपने घर में बिंदास रहते हैं, किसी के आने पर हमें फॉर्मल हो जाना पड़ता है, और हमें अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं, ओके। और हाँ, ज्यादा उनको टाइम देना पड़ता है, ओके, चीजें शेयर। मैंने आप, हाँ जी ब्रिजेश, मैम करवा सकते हो क्या बेटा? मैम पहले टेस्ट करवा सकते हो? मुझे समझ में नहीं आया बेटे, क्या कह रहे हो? मैम टेस्ट, बेटा टेस्ट जो है वो आफ्टर 15 मिनट्स, ओके। ये चैप्टर खत्म कर ले, छोटा सा चैप्टर। इसमें अब हम पढ़ेंगे जो लेखक है, लेखक के घर में जब मेहमान आते हैं कोई, तो उनकी क्या दशा होती है। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक को लगता है कि अतिथि कब जाएगा, चार दिन हो गए इसको आए हुए लेकिन ये जा ही नहीं रहा। तुम जहां बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। कितनी बड़ी बात है कि वो किसी के घर में बैठे और सिगरेट भी पी रहे हैं। किसी के घर में कोई आया है और वो मेहमान सिगरेट भी पी रहा है, अगर उसके घर में ये सब चीजें ना चलती, किसी को ना पसंद हो, तो क्या किया जाए। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। कैलेंडर की तारीखें लगी होती है ना, अपनी लिमिट्स में रहती हैं, दिन ढल जाता है, तारीख बदल जाती है। तो वो कहता है कैलेंडर पर तारीखें भी बदल रही हैं। विगत दो दिनों से मैं तुम्हें दिखा कर तारीखें बदल रहा हूं, तुम्हें बता रहा हूँ आज इतनी डेट हो गई, आज इतनी डेट हो गई, है ना, लेकिन तुम्हें फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही।
तुम जानते हो अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि ये चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का, चौथा भारी दिन तुम्हारी मेहमान नवाजी का, चौथा दिन और कितना भारी दिन है, बहुत मुश्किल हो गया, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर गए थे अंतरिक्ष यात्री, वो भी इतने दिन वहां नहीं रुके थे, कुछ समय रुककर वापस आ गए थे। चांद पर गए थे और इतने दिन नहीं रुके जितने दिन तुम्हें मेरे यहाँ रुके हुए हो गए। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी जमीन पर अंकित कर चुके। चरण कमल पैर, उनकी छाप मेरे जमीन पर छाप चुके, मतलब तुम्हारे कदम मेरे घर पर पड़ चुके हैं। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में आ गए हो। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली, तुम्हें ये भी पता चल गया कि मैं कितना खर्च कर सकता हूँ कितना खर्च नहीं कर सकता। तुम मेरी काफी मिट्टी खोद चुके, जैसे हमने कहा हमारी फ्रीडम खत्म हो जाती है ना। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। चार दिन हो गए, बहुत हो गया, बस अब जाओ। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, जहां से तुम आए हो क्या तुम्हें उसकी याद नहीं आती, और जहां तुम रहते हो तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें याद नहीं करते। अब तुम जाओ। उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। कोई आशंका थी, कोई डाउट था जो मुझे पता नहीं था, लेकिन मन में एक डाउट था, अज्ञात जो पता नहीं था, एक मन में डाउट था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया था। बटुआ कांप गया मतलब खर्चा करना पड़ेगा। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। मतलब हम दोनों ने बहुत ही स्वागत किया तुम्हारा, बहुत अच्छे से तुम्हारा सत्कार किया। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। हम लोग अपने घर में नॉर्मल दाल सब्जी खा लेते, अगर दोपहर का भी कुछ बना हो तो रात को वो भी चल जाता है ना, कि अभी कुछ बनाते नहीं है, पकाते नहीं है, फ्रिज में एक दो सब्जियां पड़ी हैं वही खा लेते। लेकिन जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम बहुत लेविश डिनर उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, एक दो सब्जियां घर पर बनती हैं, एक दो बाहर से आती हैं। हमने चाहे कभी खाने के बाद रात को डेजर्ट ना खाया हो, गुड़ से काम चलाया हो, लेकिन कोई मेहमान आते हैं तो दुकान तक तैज की जाती है कि इस दुकान से जाकर डेजर्ट लेकर आओ, है ना, रसमलाई लेकर आओ या आइसक्रीम लेकर आओ, है ना। तो कहते हैं कि उच्च मध्यम वर्ग, जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं, तो हम उससे भी ऊपर का सोचते हैं कि उससे भी अच्छा खाना खिलाना है। तुम्हें स्मरण होगा कि दो सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी, आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। हमें लगा था तुम एक रात के लिए आए हो, रहोगे, अगले दिन सुबह वापस चले जाओगे और याद करोगे कि हमने बड़ी अच्छी खातिरदारी की थी। जब हम किसी के घर जाते हैं, वापस आते हैं, तो हम डिस्कशन करते हैं, खाना ऐसा था वैसा था, ये अच्छा था वो अच्छा था, है ना। तो वो भी कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम मेहमान नवाजी से खुश होकर अगले दिन चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट, कि तुम रुको थोड़े दिन रुको, मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। पर ऐसा नहीं हुआ, दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे, पर तुम गए ही नहीं। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। दुख हुआ कि तुम गए नहीं अभी तक, लेकिन फिर भी एक मुस्कुराहट के साथ तुम्हारे सामने थे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहां से नीचे उतर हमने
फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। मन नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी दोपहर के खाने को हमने लंच में बदल दिया, अच्छा सा लंच। जो सब्जी रात को बनी है खिलाई है वो अब दोपहर को तो दोबारा खिला नहीं सकते, तो वो नई सब्जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत की। और रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया, कोई गेस्ट आ जाए तो घुमाने भी लेकर जाते हैं, है ना। अगर हम किसी के घर एक दो दिन रहने के लिए जाते हैं तो वो हमें अपने शहर घुमाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि हमने तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का ये आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था, जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम फिर भी नहीं गए। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब ये तो अति हो गई, धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था, आघात मतलब हमला, प्रहार। तुमने ये जो कपड़े धोबी को देने की बात कही थी ये किसी अप्रत्याशित हमले जैसा था। अप्रत्याशित मतलब जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, ऐसा हमला जो अचानक हुआ जिससे बचना भी मुश्किल था। और इसकी चोट मार्मिक थी, बहुत ज्यादा दुख देने वाली, बहुत दुख हुआ। तुम्हारे समीप्य की वेला एकाएक यूं रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था कि तुम इतने दिन हमारे यहाँ रुकोगे, ये तो सोचा ही नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें कहते हैं अतिथि देवो भव हो, अतिथि देवो भव, कि अतिथि जो है वो देवता के समान होता है। वो कहता है लेकिन मुझे ऐसा पहली बार लगा कि हर कोई अतिथि देवता नहीं होता। वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, मैंने कहा। कहता मुझे ऐसा लगा था कि तुम जाना चाहते हो और कपड़े धुलवाना चाहते हो जाने से पहले, तो मैंने कहा किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे, तुम जल्दी अपना सामान पैक कर लोगे। मन ही मन विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री, चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। कहता जिन जो आंखें मुझे इतनी सुंदर लगी थी उन सुंदर आंखों को देखकर मैंने उसे शादी कर ली थी, पर आज जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होता है। अब जो वो आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे देखते तो मेरा मन घबराने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी, अतिथि और अधिक कितने दिन रुकेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। निर्मूल मतलब बेवजह, बेकार की आशंका नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर गायब हो गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं देते। कल तक हम यहाँ पर हंसी ठहाके लगा रहे थे लेकिन अब वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों के टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप खड़ी है। कई बार ऐसा होता है हम किसी के पास बैठते हैं, बातें करने लगते हैं, बातें करते करते समझ में नहीं आता अब क्या बात करें ना। वो भी कहते हैं तीन दिन हो गए तुम्हें मेरे घर पर, जितनी बातें करनी थी जितने टॉपिक्स पे बातें करनी थी वो सब खत्म हो गई हैं, और मैं तुमसे बात भी क्या करूं। अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूं और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया, चर्चा के विषय चुक गए, अब कोई बात नहीं है करने के लिए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमारी पुरानी प्रेमिकाओं का जिक्र कर लिया, और अब चुप्पी है। हर तरह की बात हम कर चुके हैं
और अब चुप है। सौहार्द अब स्नेह नहीं, बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द मतलब अपनापन, वो अपनापन अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। स्नेह स्नेह धीरे धीरे खत्म हो रहा है और बोरियत छा रही है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम नहीं जा रहे। मन करता है कि अब तुम्हें गालियां निकालूं। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? ऐसी कौन सी गोंद लगाकर तुम मेरे घर में बैठ गए हो? गोंद मतलब ग्लू। मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूं। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ मैं, तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की होगी। अब पत्नी ने ये बोल दिया कि मैं तो अब खिचड़ी बनाऊंगी। इतना हैवी हैवी खाना खा खा कर तबीयत खराब हो रही है। हल्का खाना खाना है आज इनको, कुछ भी मैं अच्छा लंच या डिनर नहीं करवाऊंगी, खिचड़ी बनाऊंगी, चुपचाप खा लें। मैंने भी कहा बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। अभी भी अगर तुम नहीं जाओगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब तुम्हें हम खाना भी नहीं खिलाएंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि, अब तुम्हें चले जाना चाहिए। और कितने दिन रुकोगे? तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा ही लगता है। कोई काम नहीं करना पड़ता, खुद मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा हो नहीं सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। अपने घर को स्वीट होम बनाओ, किसी दूसरे के होम की स्वीटनेस को खत्म मत करो। दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी तो कोई चीज होती है ना, और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें गेट आउट कह दूंगा कि तुम अब मेरे घर से जाओ, बहुत हो गया। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद पांचवें सूर्य की परिचित किरण होगी। पांचवा दिन हो जाएगा कल तुम्हें मेरे घर आए हुए। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्ण निर्णय ले लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। अब तुम जाओ। मैं कोई तुम्हारा देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य एक साथ अधिक देर तक नहीं रह सकते। देवता और मनुष्य साथ में रहते हैं? नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, तुम भी लौट जाओ। अतिथि हो, अतिथि देवता होता है। तुमने दर्शन दिए, तुम आए रहे, अब तुम जाओ। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। कहते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ होती है ना। देवत्व तुम्हारे हाथ में रहेगा, मतलब तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर बेइज्जत होना पड़ेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व तुम जाओ। यानी कि मैं तुम्हें कुछ बुरा भला कहूं, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दूं, इससे पहले तुम चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? हे अतिथि, तुम कब जाओगे? इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ज्यादा दिन किसी के घर नहीं रुकना चाहिए, ज्यादा समय भी किसी के घर नहीं रुकना चाहिए। अगर आप किसी के घर गए हैं, किसी फ्रेंड के भी घर गए हैं, काम है काम निपटाया और वापिस आ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि कहीं जाना होता है और पापा के फ्रेंड्स आ जाते हैं तो सारा प्लान चौपट हो जाता है, होता है ऐसे, है ना। तो हमें एक अच्छे अतिथि बनना चाहिए। कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ये नहीं बताएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो? आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट?
prepared for the test, take out your sheets. Online students, turn on your videos. Videos on नहीं होंगी तो test acceptable नहीं होगा. जिसकी video on होगी सिर्फ उसी का test accept किया जाएगा. हरमीत आपका fan दिख रहा है बेटा. Okay, बाकी लोग. ब्रिजेश, please turn on your video. स्मृति पाठ एक ही है, एक एक टेबल छोड़ दो. आप आगे आ जाओ, आप पीछे चले जाओ. फर्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्क्स टेस्ट, 4 क्वेश्चंस, 2.5 ईच. ओके, लिख लो, रहने दो, मत लिखो. बच्चे कुएं में ढेला क्यों फेंकते थे? नहीं, बच्चे कुएं में ढेला क्यों फेंकते थे? लेखक ने कुएं से चिट्ठियां क्यों निकाली? क्यों निकाली? ये 2 क्वेश्चंस हैं, 3-3 नंबर के, और अगले 2 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के. ठीक है, थोड़ा जल्दी करिएगा बेटा. लेखक और उसका भाई कहाँ जा रहे थे और क्यों? बी फास्ट.